आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सुनीत भाटिया और डिंपल भाटिया ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी यागी परिवारों को का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुनीत भाटिया जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल भाटिया जी, जो कि स्वयं ही आर्य समाज की प्रमुख भूमिका में है, और इनका जो कार्यभार है, जो इन्होंने निष्ठापूर्वक इस आर्य समाज की सेवा की है, उसी का नतीजा है कि हम सभी इनके इस धार्मिक अनुष्ठान में हम सभी शामिल हैं। बहुत से इनके बाय प्रोफेशन सीएस हमारे बीच में आए हैं, सोसाइटी के कुछ नए सदस्य हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी का इस आर्य समाज की मंच की तरफ से बहुत ही भव्य स्वागत करता हूं। आज हम सभी ने मिलकर के विशेष साप्ताहिक यज्ञ का जो आयोजन है, जो पिछले कई वर्षों से हमारा प्रयास रहता है कि हर रविवार नया दंपति परिवार यहाँ पर बैठे आकर के, बीच में ये भी विचार रखा हुआ है कि जिस दिन जिसका जन्मदिन आ जाए उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। उस कड़ी को जोड़ते हुए डिंपल भाटिया जी अपना जन्म दिवस इस पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर बैठ करके सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म किया। यज्ञ देवता खाते भी हैं और हमें उसका लाभ भी देते हैं। किसी को भी कुछ खिलाओ खाएगा नहीं, वही अगर प्रसाद के रूप में कुछ किसी को खिला रहे हैं तो अगर वो खा सकता तो ठीक है, जिसके पेट में नहीं जाएगा, जहाँ पड़ा रहेगा वो सड़ जाएगा। लेकिन यज्ञ ऐसी है कि यज्ञ के ऊपर जो भी पदार्थ डालोगे आपको उसका लाभ ही मिलेगा। शांतिरंतरिक्षं सा